नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। ये सक्सेस स्टोरी है जर्मनी का पब्लिक यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पर आपको इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये स्टूडेंट का वीज़ा आया है, स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। तो ऐसा है कि पेशेंस हर एक चीज़ के अंदर रिक्वायर्ड है। अभी ये नहीं है कि मैंने वीडियो डाल दी है, सामने वाला कहे कि अभी इमीडिएटली जाकर आपका अभी जर्मनी का वीज़ा लग जाएगा। स्टूडेंट से बात करेंगे, कितनी हार्ड जर्निंग है, कितनी हार्ड जर्नी है जी, और इवन क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, माइंड में क्या चलता है, और कितना स्ट्रगल करने के बाद इस टाइप की जो चीज़ें मिलती हैं। तो ये वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में बच्चा मास्टर करने के लिए जा रहा है, जो कि इंटायर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन ये बच्चे को हर एक कंट्री में एडमिशन मिल सकता था, जहाँ पर आपको 15 लाख 20 लाख रुपये की फ़ीस है साल की, जो कि यूके की ओर भागे हुए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया को, कोई न्यूजीलैंड को, कोई किसी कंट्री की ओर। तो रिसर्च करने के बाद इसको पता चला कि जहाँ पर फ्री है, वाई नॉट वी विल पुट द एप्लीकेशंस देयर। तो एनी हो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जर्मनी की हमारी दो डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। और आज की डेट में मैंने मोर देन 95% से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट जर्मनी में भेजे हैं, ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजे हैं, आइदर बैचलर और मास्टर, तो जिसकी इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट रही है। तो वहाँ पर कैसे स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, कौन सी प्रोफाइल एलिजिबल हैं, इसकी अगर आप फ्री में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और आप गलत एजेंट्स के हाथ से कैसे बच सकते हैं जो जर्मनी के नाम पर आपको मोटिवेट करके आपकी प्रोफाइल ले लेता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उन प्लेलिस्टों से मिल सकती है। वहाँ जाकर उनको ज़रूर वॉच करें। तो इवन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी जर्मनी के अंदर जो बच्चों के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उस वीडियो को ज़रूर आप वॉच करें। इवन जर्मनी की अपडेशंस के बारे में भी मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, जो अभी आई थिंक सो 2-3 दिन पहले ही डाली है। बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। थापर यूनिवर्सिटी से इसने ECA के साथ, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के साथ अपनी BTEC की है, जिसमें 65% मार्क्स हैं, 2018 का पास आउट है, और अप्रॉक्स मोर देन 5 ईयर का इसको एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और बैंड भी इसके 7 हैं IELTS में। और अभी ये देखिए कि इसने प्रीवियसली, इसके एडमिशंस भी आए थे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई डॉक्यूमेंट ना अरेंज होने के कारण इसने अपना ऑस्ट्रेलिया का ड्रॉप किया। और इवन इस स्टूडेंट ने अपने लेवल पर फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की भी रिसर्च की हुई थी, वहाँ की 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ की। तो वहाँ की जो इसके प्रोग्राम की फ़ीस थी एक साल की अप्रोक्स 4,000-5,000 यूरो की थी। तो हमारे पास आया, हमने प्रोफाइल चेक की, तो हमने इसको पहले सजेस्ट किया कि वी विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन इन जर्मनी, जहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। और फ्रांस से भी प्लस पॉइंट है जर्मनी के अंदर, वो क्या है कि आपकी स्टडी फ्री है और सेटलमेंट पॉलिसीज फ्रांस से ज़्यादा है जर्मनी के अंदर। तो ऐसा है कि आने के बाद सारा डिसीज़न लिया, डिसीज़न के बाद सारी चीज़ें आई हमारे पास, तो हमने इसका केस भेजा जर्मनी में। पहले APS हुआ, APS में कितना टाइम लगा हुआ वो भी इससे पूछेंगे, फिर इसके केस को BPD के लिए भेजा, और BPD 3.1 इसका आया है। और इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम को जर्मनी ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्शन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। वो हमें पता चल गया कि 3.1 है, 65 है, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग केस फॉर अस। केस के लिए हमारा भी प्रेस्टीज था कि इसको हम इंग्लिश टोट में एडमिशन्स दिलवाएं। और अप्रॉक्स 9 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के बाद एक यूनिवर्सिटी से बच्चे का एडमिशन आया है। तो बच्चे की टेंशन देख सकते हैं, अगर मैंने इसको जर्मन टोट में डालना होता तो वहाँ से तो एडमिशन ईजिली आ जाता। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर एम्बेसी में केस डाला, विदाउट इंटरव्यू बच्चे का एडमिशन, वीज़ा वहाँ से ग्रांट होकर आया। मे बी आई थिंक मोर देन 2 मंथ से ज़्यादा टाइम लगा है वीज़ा आने में भी, तो वीज़ा भी आ चुका है, वो हमने आपको दिखा दिया है। बच्चा कुछ ही दिनों में वहाँ पर फ्लाई भी कर जाएगा। तो अभी ये है कि जर्मनी में जाने से पहले आप हमारी फ्री में गाइडेंस ले सकते हैं, प्रोफाइल भेजिए। प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आइदर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, या इटली है, या और कौन सी अनदर कंट्री जहाँ पर फ्री में स्टडी मिले, क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। शेंगेन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर, हर एक कंट्री से रिलेटेड आप प्ले लिस्टें बनी हुई हमारे YouTube चैनल पर, कहीं पर भी आपने जाना है हमारी प्ले लिस्टों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से वॉच करें, और अपने लाखों रुपये अपना इंपॉर्टेंट टाइम
सेव करें। और इवन इस स्टूडेंट ने अप्रोक्स आई थिंक सो 5-6 क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किए हैं जिन बच्चों ने जर्मनी में जाना है। तो उसके अंदर इसको 80-90% वो स्टूडेंट मिले हैं उस ग्रुप के अंदर, 200-300 स्टूडेंट हर एक ग्रुप के अंदर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो जिन्होंने अपने केसेस वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाले हुए हैं, किसी को 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं, कईयों को रिजेक्शन भी देखने को मिली है। तो ये भी इसके पास ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन थी। मैंने इसको पूछा कि और क्या रिसर्च किए जाने के बाद, इसने उस ग्रुप के बारे में भी बताया कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, मुझे अपडेशंस रहती थी कि क्या सिचुएशंस चल रही हैं। तो अभी बच्चे से भी बात करेंगे तो इससे पूछेंगे कि टाइम कितना लगा है पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर मैं आपके पास सर्विसेज के लिए आया था मई के बिल्कुल स्टार्ट में। मई के बिल्कुल स्टार्ट में, तो अभी अक्टूबर क्लोज होने वाला है। यस सर। तो इट मींस आपका तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही सारा कुछ हो गया। यस सर। हमारे पास आए थे, हमारे पास आप किस पर्पस के लिए आए थे? सर आपके पास मैं बेसिकली अपनी मास्टर स्टडीज को ही लेके आया था, और इससे पहले मेरी अपनी रिसर्च थी थोड़ी बहुत, और उसे मैंने ये देखा कि मुझे फ्रांस के कुछ प्रोग्राम्स पसंद आए थे तो मैंने उनको सेलेक्ट किया था। बट आपके पास जैसे आए, काउंसलिंग हुई, तो उसके बाद ये पता लगा कि जर्मनी में इट वुड बी बेटर फॉर मी एज एन इंजीनियर बैकग्राउंड। ठीक है। तो आपको बिफोर कमिंग टू मी आपको जर्मनी के बारे में पता था कि ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ हमने बताया फिर उसके बाद रिसर्च किया आपने? नहीं सर, मेरे को जर्मनी बस एज ए कंट्री का पता था कि वहाँ पे इंजीनियरिंग और रिसर्च बहुत ही एक हाई लेवल पे होती है। वेरी गुड। बट मेरे को ये सब नहीं पता था कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री होती है और वहाँ पे सेटलमेंट पॉलिसीज भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो आपने आइदर फ्रांस और जर्मनी से पहले भी कहीं पर ट्राई किया किसी कंट्री के लिए? जी सर, मैंने इनसे पहले अपना जो प्रोग्राम था वो ऑस्ट्रेलिया में लगाया हुआ था। कौन से प्रोग्राम में वहाँ पे? सर वहाँ पे मेरे मास्टर्स इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में लगाया हुआ था। देखिए बच्चा 7 बैंड है, परसेंटेज भी अप्रोप्रिएट है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि वहाँ पर साल की फीस कितनी थी उस प्रोग्राम की? सर मेरी उस प्रोग्राम की एक साल की फीस थी अप्रोक्सीमेटली $34,000। $34,000 मतलब $34,000 की फीस मीन 16 लाख, 16 या 17 लाख यही बनेगी? यस सर। 17 लाख रुपए की साल की फीस। और यहाँ पर जो आपने फ्रांस के लिए प्रोग्राम सेलेक्ट किया था उसकी साल की फीस कितनी? सर उसकी साल की अप्रोक्सीमेटली फीस थी बिटवीन 4-5,000 यूरो। मतलब वहाँ पर 4 लाख रुपया साल की फीस फ्रांस के अंदर, वहाँ पे 17 लाख। तो मैं आज की डेट में हर स्टूडेंट्स हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इकोनॉमिकल स्टडीज़ की सर्च करें, जहाँ पर फ्री है उसकी ओर तवज्जो करें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ की जो लाइफ है दैट इज़ वेरी वेरी टफ। तो बहुत अच्छी रिसर्च की, देखो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड किया, जर्मनी फ्रांस को अवॉइड किया, उसके बाद फ्री में अभी आज की डेट में जा रहा है। तो आप हमारे पास आ गए, आपका केस देखा, तो सबसे पहले आता है APS। APS में आपके आने में कितना टाइम लगा? सर एग्जैक्टली बताऊं तो APS आने में मुझे 1 महीना और 10 दिन लगे थे। तो 1 से 10 डेज के मतलब 1 महीने 10 दिन के अंदर आ गया था। जो आपने अपनी बीटेक की हुई है? यस सर। तो थापर से कहाँ से? सर थापर यूनिवर्सिटी से मेरी बीटेक है 2018 से। सारा तो उस टाइम JEE चलता था, क्या चलता था? सर उस दिन JEE मेंस और JEE एडवांस चलता दोनों चलता था। देखो JEE भी दिया है इसने, क्योंकि थापर में एडमिशन लेना इट इज नॉट सो इजी। कहीं NIT में भी कभी ट्राई किया एडमिशंस के लिए? सर NIT जलंधर में मैंने ट्राई किया था। लास्ट काउंसलिंग में मुझे एक बहुत ही पीछे की ब्रांच मिल रही थी जिसको मैंने अवॉइड किया। ठीक है। और मैंने एक थापर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो कि हाई ब्रांच है उसको प्रेफर किया। देखिए मैं फिर बताऊं कि वी आर द एजुकेशन कंसल्टेंट, हमें हर एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। नीट कहाँ है, JEE कहाँ है, JEE मेन एडवांस करने के बाद आप फॉरेन में कैसे एडवांटेजेस ले सकते हैं, जहाँ पर इंडिया के अंदर आपको कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं, इसको भी बच्चे को गाइड करते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है। तो आने के बाद APS आ गया आपका, आने के बाद हमने आपका जो केस है प्राइवेट में डाला या पब्लिक में डाला? सर सारी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डाला केस। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कितनी यूनिवर्सिटीज़ में हमने अप्लाई किया होगा? सर पहले 5 और फिर बाद में 4, 9 टोटल 9 यूनिवर्सिटीज़ में रिजल्ट क्या रहा एडमिशन का? सर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, वो पब्लिक थी या प्राइवेट? सर पब्लिक। तो जो पब्लिक थी वो इंग्लिश टॉट था या जर्मन टॉट था या बिलिंगुअल था? सर इंग्लिश टॉट था। देखो इंग्लिश टॉट मिला है पब्लिक, उसकी ट्यूशन फीस के बारे में बताएंगे जो आपने मेन प्रोग्राम करना है? सर ट्यूशन फीस निल है उसकी। देखिए ये सारे के सारे तभी है अगर आपके अंदर पेशेंस है। अगर ये नेगेटिव हो जाता कि यार 9 यूनिवर्सिटी में डाला है, मेरा एडमिशन ही नहीं आया, इनको भी कुछ नहीं आता है, टाइम खराब कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता?
सर स्टूडेंट का ही स्टूडेंट का होता, तो ऐसा है कि अगर हमने इसको गले से उतारना होता, अगर हमने इसको इससे पैसे कमाने होते तो मैं इसको मोटिवेट करके प्राइवेट में भी भेज देता। मैं कहता भैया क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर एडन है, बीएसबी है, ये मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, आईयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, भेज देते हैं आपको, आपको निकल। अभी पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में उसके भी इसने पैसे बचाए हैं और हमने भी इसके वो पैसे बचा कर दिए हैं। आपको मालूम है कि वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस अप्रॉक्स कितनी होगी मास्टर की जर्मनी के अंदर, जो बच्चे पे कर रहे हैं अंदाजा कुछ? सर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ, एक बच्चे के साथ एक्सपीरियंस रहा है मेरा, उसकी सर वो बिजनेस कोर्स का था, उसकी एक साल की फीस 30 लाख थी। 30 लाख रुपया प्राइवेट वाले की, चलो इसने तो कोई ज़्यादा कह दिया, लेकिन वहाँ पे 10,000 यूरो से कम नहीं है, वो भी पैसे इसने अपने सेव किए हैं। अगर इन केस इसका नहीं भी होता तब मैं इसको जर्मन टोट में भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में भेज देता, नहीं भी होता फिर मैं कहता काका अभी आपको फ्रांस में भेजेंगे इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, जो 4,000 की फीस है वहाँ पे फ्रांस की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे भी रिसर्च बेस के बहुत सारे प्रोग्राम, अगर नहीं होता। बट इसने उन चीज़ों को, पैरामीटर्स को फॉलो किया, इसके अंदर पेशेंस थी, इसने आपने जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया 9 में, yes, तो उन सब में एप्लीकेशन फ़ीस थी या किसी में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं भी थी, कुछ पता है आपको इसके बारे में? सर कुछ में एप्लीकेशन फ़ीस थी और सर 3 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन थी, बाकी सब में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं। देखिए हमारे पास ऐसी भी चीज़ें हैं कि हमें ये भी मालूम है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपका फ्री में भी अप्लाई हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फ़ीस लगेगी। यूनिवर्सिस्ट की फ़ीस है 75 यूरो, उसके बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन आपकी पड़ती हैं उसकी 30 या 35 यूरो की फ़ीस रहेगी, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप 35 यूरो भी बचा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर हमारे साथ कोई जुड़ा है पहले तो उसको हम रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। तो दूसरा आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस है, तो मैं यहीं से नमन करूंगा कि आप अनदर कंसल्टेंट को खोजने की कोशिश करें, क्योंकि आप खुद तो डिस्टर्ब रहेंगे और साथ में हमें भी डिस्टर्ब करेंगे, फ्री में स्टाफ को भी, हमें भी अननेसेसरी। तो ऐसे केसेस को हम अपने लेवल पर भी अवॉइड करते हैं। एडमिशन आने के बाद आपकी जब हमने फाइल एम्बेसी के अंदर भेजी, आप गए होंगे खुद बायोमेट्रिक्स के लिए वहाँ पर, तो वहाँ पर सबमिशंस के बाद आपकी कोई इंटरव्यू आई टेलीफोनिकली या फिजिकली? नहीं सर कोई मेरे पास। कितना टाइम लगा आपके डिसीजन में? सर मेरे डिसीजन में अप्रोक्सीमेटली 70 डेज। 70 डेज? देखो 70 डेज लगे हैं, 70 डेज लगे हैं इस केस को, 2.5 महीने लेकर चले अपने माइंड में ऐसे केस को भी, तो पेशेंस रखें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये 70 डेज का जो टाइम था आपके माइंड पे क्या प्रेशर रहा होगा? सर जैसे मैंने थोड़ी अपने एंड पे सर्च करी थी, उसमें ये बोलता है कि जर्मनी के जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो बिटवीन 4 to 12 weeks है। ठीक है, तो जब पहले 4 weeks पास हुए तो मेरे माइंड में थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था, बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम गुजरता गया फिर मैंने अपने एंड पे रिसर्च करी थी तो वीज़ा आ रहे थे, देन आई गॉट पेशेंट कि हाँ आ जाएगा मेरा। तो आपने कुछ और भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जर्मनी से रिलेटेड जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हैं? जी सर, सर टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ही और स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए हुए हैं। यस सर, उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर कोई भी अपडेट आता था तो वो वहाँ पर अप कर देते। तो उस ग्रुप में कितने बच्चे होंगे जो प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज के, कुछ आइडिया अंदाजा कुछ? सर वो ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग VFS सेंटर्स के हिसाब से बनाए हुए हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 स्टूडेंट होगा एक ग्रुप में। ठीक ठीक ठीक, तो वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी डिस्कशन चलती है इन ग्रुपों में, पब्लिक की प्राइवेट भी कुछ? सर पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बहुत कम डिस्कशन है, वहाँ सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के डिस्कशन। दैट रीजन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना there is no big challenge, वो कोई भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट भेजे आपको इमीडिएटली एडमिशन आ जाएगा। 70 से 80% जो एप्लीकेशन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की पढ़ रही हैं एम्बेसीज के अंदर, तो एम्बेसीज में ये एप्लीकेशन का रश होने के कारण प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अच्छे स्टूडेंट्स की भी एप्लीकेशन डिले हो रही हैं, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज्ड है, आपका जर्मनी से एडमिशन्स नहीं आ पा रहे पब्लिक यूनिवर्सिटी से, आप हमारा कोई ओपिनियन चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें आपको गाइड कर सकती है। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की सक्सेस स्टोरी ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर सक्सेस स्टोरी हम अपने सोशल मीडिया पर डालें उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया उनको इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू भैया।